इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग तो अभी ये कहेंगे कि केवल आपके पास नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझाई जाएं, अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको अगर नहीं बताई जाएं, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और इवन आपकी कई सारी कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तरबूज खाने के कई सारे बेनिफिट होते हैं, कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन तरबूज खाने के नुकसान भी आपको हो सकते हैं। केवल चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप तरबूज का सेवन कर रहे हैं तो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और ये चार चीज़ों की वजह से आप अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डॉक्टर पे करते हैं और डॉक्टर आपको सही जानकारी न दे, डॉक्टर अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी न दे पाए तो आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि सर ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं गलत जगह पर आ गए। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक छोटा सा मकसद था। अगर आपको लगता है वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, अगर आप कई सारी बीमारियों से इस वीडियो की मदद से बच सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको पता लगे। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र, BHMS फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तरबूज खाने के नुकसान क्या होते हैं। पिछली वीडियोस में हमने समझा था तरबूज खाने के फ़ायदे क्या होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को सलाह दी तरबूज खाने की और कई ऐसी बीमारियों में, और वो ठीक हैं, कई हद तक उनकी प्रॉब्लम्स कम हो चुकी हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे पेशेंट्स वापस लौट कर आए और उन्होंने बताया कि सर तरबूज खाने से हमारी ये कंप्लेंट्स बढ़ रही है, ये कंप्लेंट्स हमें हो रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आप सभी के साथ में ये छोटा सा एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि तरबूज खाने के नुकसान भी आपको हो सकते हैं। तरबूज रात में कभी नहीं खाएं। तरबूज रात में इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की क्वांटिटी होती है और इसे डाइजेशन के लिए भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। जब ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पानी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए इसे इंटेस्टाइन लोड जो होता है बढ़ जाता है, और जब आप इसे रात के समय में खाते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है या फिर आपकी समस्याओं को एक्सटेंड कर सकता है, आपकी समस्या, आपको पेट की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो रात के समय में बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करें, अवॉइड करें। इसके साथ में दस्त वाले रोगी, जिनको दस्त लग रहे हैं, जिनको दस्त प्रेजेंट में हो रहे हैं, उन मरीजों को और रोगियों को विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तरबूज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर पानी की अच्छी मात्रा है तो क्यों ना हम इसका सेवन करें, क्योंकि दस्त के अंदर पानी की कमी होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दस्त के अंदर जो पानी कम होता है वो हमारा शरीर का अंदरूनी भाग का जो पानी होता है वो कम होता है, और जब हम वाटरमेलन खाते हैं तो इसकी तासीर ऐसी होती है दस्त लगाने वाली। तो अगर ज़्यादा खाएंगे आप और ये दस्त लगा देगा तो शरीर के अंदर पानी की पूर्ति होने के बजाय पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए दस्त वाले मरीज़ बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करें, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गर्म तासीर वाले, जिनको तासीर गर्म है, जिनकी गर्मी की वजह से या गर्म चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग भी तरबूज खाने से परहेज करें, तरबूज का सेवन न करें। ऐसे लोग जिनको बार बार दस्त हो जाते हैं, जल्दी दस्त हो जाते हैं किसी भी चीज़ को खाने से, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको दूध पीने से दस्त हो जाते हैं, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे उनको हल्का फुल्का तला भुना खाने पर उनको दस्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, तरबूज का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए, उन्हें इसके परहेज करने चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों को दस्त बार बार लग जाते हैं या जिनको दस्त लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा तरबूज दे दिया जाए तो वो दस्त लगा भी सकता है। मतलब कि देखिए, तीन कंडीशंस हैं, एक तो दस्त लग रहे हैं, ऐसे मरीज को नहीं खाना चाहिए, दूसरा जिनको जल्दी दस्त हो जाते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए, तीसरा जिनको दस्त नहीं है और अगर वो ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उन मरीजों में ये दस्त लगा सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ये तरबूज खाने के कुछ नुकसान थे जो कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स थे उन्होंने हमें आके फीडबैक दिया, और मुझे लगा कि ये चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम आपको फ़ायदे बता रहे हैं किसी चीज़ के, तो हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि उस चीज़ के नुकसान भी बताएं, या फिर हम अगर किसी चीज़ के नुकसान बता रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि उसके फ़ायदे भी बताएं। इस वीडियो को ज़रूर वायरल कीजिएगा। अगर फ़ायदे की बात करें तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, डिटेल में बेनिफिट्स हमने उस वीडियो में बताए हैं। अगर आप फिर भी कुछ पॉइंट्स समझना चाहते हैं तो इसके अंदर लाइकोपिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, पानी की कमी नहीं होने देता है। अगर पानी कम है बॉडी के अंदर तो इससे पूर्ति हो सकती है। पानी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ग्लूकोज होता है लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम होने की वजह से वजन कम करने में मदद करता है, फैट को बर्न करता है, इम्यून सिस्टम को साथ ही साथ बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके रखता है। अस्थमा के पेशेंट्स में कई जगह पर इसे उपयोग किया जाता है, कई जगह पर इसे वर्जित माना जाता है। पाचन संबंधी समस्याएं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहता है, तो इसका सेवन कर सकते हैं, उससे तरबूज खाने से उसकी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।